मैडम, देवबंदी उलेमाओं ने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, क्या कहेंगे आप? ये आज कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो कम से कम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हाँ ये भारत में रहते हैं और इनकी शरीयत जो है उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये कोई एक्शन ले सके। इन्होंने खुद इस बात को आज मेरे खिलाफ अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। और यही डिमांड मेरी भी है कि जो मौलाना अपनी बनाई हुई शरीयत को मुसलमानों पर थोप रहे हैं और ख़ास तौर से जिसमें दारुल उलूम का नंबर वन है, ये यहाँ अपने यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनकी संदिग्ध हैं। पिछले एक महीना हो गया इनको 91 का नोटिस मिले हुए, आज तक इन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। तो ये उन संदिग्ध एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं, उनसे बाहर निकलें और जो मेरे एक्यूज्ड हैं उनको मेरे हवाले करें और कानूनी कार्रवाई में सपोर्ट करें। और मेरा खुद ये मेरा मानना है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिपते हुए हैं उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे कायम होने चाहिए और उनका स्थान जो है वो गद्दियों पर नहीं, जेल की सलाखों में। मैडम, आपने कल कहा कि आपके पूर्वज ठाकुर वंशज थे और आप भी ठाकुर वंशज में आ गई हैं, क्या आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, मैंने ये कहा है कि मेरे पूर्वज ठाकुर थे और इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी जो कास्ट है वो राजपूत है और मेरा जो गोत्र है वो चौहान है। अगर गोत्र मेरा चौहान है और ठाकुर मैं हूँ तो जाहिर बात है उसमें फिर कहने की बात नहीं रह जाती। नहीं, स्पष्ट सवाल का जवाब, स्पष्ट सवाल का जवाब दीजिए मेरे, क्या आपने इस्लाम छोड़ दिया? मैं फरहा फैज हूँ, फरहा फैज ही रहूँगी। फरहा फैज हो जाने से, मुसलमान राजपूत हो जाने से मुझे ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस्लाम की जानकार नहीं है। मुझे पूरी तरह से इस्लाम की जानकारी है, पूरी तरह से अल्लाह की शरीयत का पता है मुझे, लेकिन मौलानाओं की शरीयत क्या है इसको मैं बिल्कुल नहीं जानती। मौलानाओं की बनाई हुई शरीयत को वही जानते हैं और वो इस पर खुद भी अमल करते हैं, लोगों से अमल करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन के टाइम में वो लोगों से उनके वोट बैंक का सौदा कर सके और उनका इस्तेमाल कर सके। अच्छा मैडम।